राजस्थान में सख्त लॉकडाउन का दूसरा दिन, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फैसला, मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में छूट, लोग अब भी नहीं छोड़ रहे लापरवाही। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर सऊदी अरब ने बताई अपनी सोच, विदेश मंत्री प्रिंस फैजल ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर अपनी राय प्रकट की, कहा कि उनका देश दोनों के बीच तनाव कम करने को लेकर प्रयास करेगा। कानपुर स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, बगैर रिपोर्ट भर्ती नहीं किया गया, महिला ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम, पति मंगला चरण ओमर ने बताया कि पत्नी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हरिद्वार के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट फेल, चार घंटे अटकी रही 8 मरीजों की सांसे, ऑक्सीजन खत्म होने से पिछले दिनों 5 कोरोना मरीजों ने तोड़ा था दम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की हुई थी किटकिटी। कोरोना महामारी से रेलवे भी अछूता नहीं, रेलवे के रोज 1000 रेलकर्मी हो रहे संक्रमित, 1952 गंवा चुके हैं जान, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बोले हम रखते हैं स्टाफ का ख्याल। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन बंद होने की कगार पर, आज एयरपोर्ट से मात्र 5 फ्लाइट का हो रहा संचालन, इंडिगो की 2, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, एयर एशिया की 1-1 फ्लाइट चालू। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण और मौतों का सिलसिला लगातार जारी, पिछले 24 घंटे के दरमियान कोरोना से होने वाली मौतों का संक्रमण में कुछ कमी आई है, देश भर में कुल 3576 मौतें दर्ज की गई, संक्रमण के 3,11,325 नए केस निकलकर सामने आए। सोनीपत के टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लगातार नया खुलासा, संयुक्त किसान मोर्चा को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का पता 2 मई को ही चल गया था, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने की जगह किसान नेता करते रहे बैठक। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर डॉक्टर फाउची ने दी सलाह, बोले जैसा चीन ने 1 साल पहले किया वैसा ही अब करे भारत, फाउची ने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पर जोर दिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु पर भारतीय नौसेना, बताया कि नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर और दूसरे मेडिकल उपकरण लाने के लिए नौसेना के कुल 9 युद्धपोत इस ऑपरेशन में जुटे। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं, मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सपा नेता आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की दुखद मौत का सिलसिला जारी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रुईया अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में प्रेशर की कमी से 11 मरीजों की मौत। देश में इस वक्त झेल रहा कोरोना का प्रकोप, लापरवाही की गई तो देश को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है, भारी पड़ सकती है चूक, एम्स निदेशक ने यह कहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ने में वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार, सरकार अभी अपने प्राथमिक समूह को टीका लगाने के लक्ष्य से बहुत दूर है। चंद रुपयों के लालच के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल के निदेशक ने अपने यहां भर्ती कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर का नकली इंजेक्शन लगवा दिया। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी ढेर। लगातार झटकों से थरथरा रहा असम, बुधवार के बाद 21 बार हुआ कंपन, 428 घरों को नुकसान। कोरोना संकट पर अब गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोरोना महामारी के संकट को लेकर सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरे हालात, मोदी का बनारस बदहाल। कोरोना की थर्ड वेव के लिए शुरू हुई तैयारी, कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। अमेरिका में अब 12 साल से 15 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन 13 मई से हो सकती है, जिसकी शुरुआत, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों से कहा है कि वो अपने यहां युवा किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। उत्तर भारत में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश और कुछ इलाकों में ओलों के बाद तापमान गिरा। यूके में सीपीईसी बनाने के लिए पैसा देने को तैयार नहीं चाइना, पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए 6 अरब डॉलर देने से चीन का इनकार। अमेरिका में एक बड़ी तेल पाइपलाइन को ठप कर देने वाले साइबर अपराधियों ने अपनी वेबसाइट पर एक सार्वजनिक बयान में लिखा, हमारा इरादा केवल पैसे कमाना, आम लोगों के लिए समस्या खड़ी करना नहीं है। इस बीच कई साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स को संदेह है कि रूस है अपराधी। एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ महंगाई की मार, पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 32 पैसे महंगा, आज पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे और डीजल 90 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।